हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड नाइन्थ का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 14 आपका स्टेटिस्टिक्स में सेक्शन सी यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन सी में आपको जो है ओनली वन क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। काफ़ी IMP क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप इसको इजीली समझोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने काफ़ी 6, 7, 8 में भी किए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सेम उसके जैसा ही है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट इन 75 मार्क्स टेस्ट आर गिवन बिलो। दैट मीन्स एक यहाँ पे मार्क्स स्कोर बाय 30 स्टूडेंट्स ने क्या किया, मार्क्स स्कोर किया। 75 मार्क्स का टेस्ट था तो क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट थे, तो उन 30 स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या क्या मार्क्स आया वो बताया गया। जैसे पहले स्टूडेंट का 75 में से 42, 21, 50, 37 अप टू यहाँ पे 51 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। अब इसको हमें देखो क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डेटा, जो ये डेटा गिवन है आपको, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द फर्स्ट टू क्लासेस आपको गिवन है 0 से 10, 10 से 20, ये आपको गिवन है। तो देखो हम कहाँ तक मैक्सिमम ले जाएंगे ये हमें सोचना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम आपका जो है वो जो डेटा आपको गिवन है मैक्सिमम मार्क्स कहाँ तक है, 75, तो 75 तो किसी को मिला नहीं है, है ना। तो देख सकते हो कहाँ तक है, तो 42 देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम है, 52, 61 है मैक्सिमम नंबर। मतलब आपको क्या करना है, 61 तक तो बनाना पड़ेगा। अब 10 20 का यहाँ पे चल रहा है तो दैट मीन्स आपको 70 तक यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, वहाँ पे क्लासेस 70 तक लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नहीं लोगे चलेगा, क्योंकि उसके बाद डेटा ही नहीं है हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल बना लेना है। टेबल कैसे बनाओगे, सिंपल है, सबको आता है टेबल बनाने। तो सबसे पहला जो होगा वो हमारा क्लास होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लास। तो यहाँ पे मैं इस तरह से वो कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो पहला टेबल है ये हमारा होता है क्लास का मार्क्स स्कोर्ड जो होता है, ठीक है। ये जो मार्क्स, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, और इसको ब्रैकेट में मार्क्स स्कोर्ड, ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड। ये हमारा हो गया फर्स्ट टेबल। सेकंड जो टेबल होता है हमारा वो होता है टेली मार्क्स का, टेली मार्क्स, ठीक है। थर्ड जो टेबल होता है वो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये हो गया। इसको हम इस तरह से पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इधर से हमने इसको बंद कर दिया, इधर से हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्लासेस हमें यहाँ पे राइट करना है, तो 0 से 10 लेना है हमें पहले, तो 0 से 10 ले लिया, फिर दूसरा 10 से 20, इस तरह से आगे हमें जाना है, 20 से 30, 30 से 40, 70 तक हमें जाना है। तो 42, 50, 52, 60, 62, 70, तो इस तरह से हमें इसको बनाना था। तो यहाँ पे हो गया हमारा, पैक कर देते हैं यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे लाइनिंग हो जाती है उसको आप यहाँ पे रफ कर सकते हो, ओके। सो यहाँ तक हमारा हुआ, आगे देखते हैं। अब देखो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 0 से 10, अब देखो 0 से 10 मतलब क्या होता है, आपको 0 से 9 लेना है, 10 वाला नहीं, लोअर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो लोअर लिमिट यहाँ पे देखो अपर हो गया, यहाँ 10 से 19 को हम इंक्लूड करें। तो 0 से 9 किसी का मार्क्स आया हुआ है क्या, देखो यहाँ पे चेक करो, नो, सभी 10 के ऊपर हैं। 7 एक आया हुआ है, तो यहाँ पे टेली मार्क्स में इस तरह से कर दो और यहाँ पे 1 लिख दो, हो गया। नेक्स्ट हमारा 10 to 20 वाला, 10 to 20 में चेक कर लेते हैं कितना आया हुआ है। देखो 10 to 20 दैट मीन्स 10 से लेकर 19 तक चेक करना है। तो यहाँ पे देखोगे अभी सभी देखो 20, 30 यहाँ पे सब ऊपर हैं, ये रहा 17 आपका है, ये 17 है, 2 हो गया, एक और देखो कहीं है, यस 19 देखो, ये देखो 19 तक हमें लेना है। तो टोटल कितने हुए, 3 और भी है क्या कोई यहाँ पे, यस 14 भी है, ठीक है। तो 14 हो गया, 1, 2, 3, 4, इसको हम लिखेंगे 4। नेक्स्ट है 20 से 30 तक,
20 से 30 चेक करना है। तो देखो यहाँ पे 40 वाला है, ये 20 तो लेंगे नहीं, यस लेंगे 20 से 30 मतलब 21 आएगा। 1 और कोई है, 2 वाला, देखो 2 वाला कहीं है, आगे 2 दिखना चाहिए, ये रहा 2 हो गया। और कोई 2 वाला, यस ये रहा 27 29 एंड 21, तो टोटल कितने हुए 3, 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। इसी तरह 30 to 40 देखो 3 वाला आना चाहिए, 1 2 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5 6, नेक्स्ट 7, तो 7 हो गए, तो 7 लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 4, फिफ्थ को हम ऐसे करते हैं 6 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। नेक्स्ट 40 to 50 वाला, तो यस 1 50 को नहीं कंसिडर करेंगे, 49 तक ही, 2 दैट मीन्स 4 वाला देखना है आपको, 3 4 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, और कोई नहीं, 7 है, तो यहाँ पे भी सेम आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐड कर देना। नाउ 50 to 60 एंड देन 60 to 70 मतलब 5 वाला, 1 इसके बाद आपका देखोगे 2 3 4 5 6 7, इसमें भी आपका 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो 7, हम यहाँ पे जो आएगा वही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट 60 to 70 में देखोगे तो सब देखो यहाँ पे हो चुका है, सिर्फ एक बचा हुआ है 61, यही आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 और यहाँ पे 1, तो देखो अभी अगर इसको आपको चेक करना हमारा आंसर राइट आया नहीं, तो फ्रीक्वेंसी आपको चेक कर लेना है, 30 स्टूडेंट थे 30 आना चाहिए, 4 1 4 5 5 3 8 8 7 आपका यहाँ पे 15 में आप 7 ऐड करोगे तो 22 में आप यहाँ पे 8 ऐड कर दोगे 30 आ गया। तो इस तरह से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा यहाँ पे सेक्शन सी इस तरह से कंप्लीट होता है। तो ये इस चैप्टर का मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, उसको पहले आप जाकर देख सकते हो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका थर्ड वीडियो है सेक्शन सी, इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो सेक्शन डी का रहेगा, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं। काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ग्राफ वाला, वो भी आपको एक बार अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आ जाने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने सभी चैप्टर्स को अपलोड कर दिया जितने भी, आप वहाँ पे जाके वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी को जो है वो वर्कबुक का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है स्कूल ट्यूशन में वर्कबुक चलाया नहीं जाता और बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको वर्कबुक का सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कीजिए, ऐसे ही साथ देते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और आगे जाके आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।